हेलो फ्रेंड्स, खाओ पियो की वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम चटपटे मजेदार आलू और छोले की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और अगर आपके पास छोले उबले हुए होते हैं तो बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। आप इसे पूरियों के साथ खा सकते हैं, भटूरे बनाकर खा सकते हैं, आप इसे चाहे तो ऐसे ही चम्मच के साथ इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम अपने आलू और छोले की मजेदार चटपटी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। चटपटे मजेदार छोले और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है फ्राई पैन। अब हम इसमें डालते हैं 2 से 3 चम्मच तेल की। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारा छटक गया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जीरे का। अब इसमें ऐड कर लेते हैं बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन हमारा हो गया है, अब इसमें ऐड करते हैं 2 कटी हुई मिर्च। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल लेते हैं और 1/4 चम्मच हल्दी। अब इसे चला देते हैं। प्याज को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। प्याज को पकने में 2 मिनट लग जाते हैं। प्याज हमारी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 उबले हुए आलू। हमने आलूओं को पहले ही उबाल के रख लिया था, हमने आलूओं को बड़े बड़े पीसेस में काटा हुआ है। आलूओं को हमने 2 मिनट पकाना है। अब हम इसमें डालते हैं अपने उबले हुए छोले। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 चम्मच छोले मसाला। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच चाट मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी मिर्च। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी। इसमें जो मैंने पानी डाला है बिल्कुल नॉर्मल पानी डाला है और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल लें, मैंने बहुत कम पानी डाला है। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी कटी हुई धनिए की पत्तियाँ और थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं नींबू का रस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। नींबू के रस से एकदम जो खट्टा खट्टा स्वाद आता है, बहुत मज़ेदार बनता है उसे ये। अब इसे 2 मिनट के लिए हम मीडियम गैस पे पकने देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल लिया है पुदीने का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप वो डाल लें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उसका। इसे अच्छी तरह से चला लें। तो देखिए, हमारी छोले और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसे एक प्लेट में सजा दिया है और मैंने इसे डेकोरेट किया है प्याज और धनिए की पत्ती से। बहुत ही मज़ेदार छोले और आलू की मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो आप इसे एकदम झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं या छोले हैं तो आप भी इसे अपने घर पर बनाइए, इंजॉय कीजिए। कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसे ही फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।